जय श्री राम भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया हैं? तो हम बढ़िया हैं। तो भाई लोग, निकलने का टाइम हो चुका है और जल्दी इसलिए निकल रहे हैं, 4:14 हो चुका है और दादाजी का खाना लेके जाना है। आप लोग से 2 मिनट मिलते हैं। तो दादाजी का खाना लेके जाना है और हमको जिम भी जाना है, तो इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि अगर देरी से निकलेंगे तो देरी से जिम पहुंचेंगे और 2 दिन से हम लेट घर पहुंच रहे हैं और झाड़ भी सुन रहे हैं घर में कि लेट से घर आ रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए अभी जल्दी निकल रहे हैं जिम का लिए और ये दादाजी का खाना देख के, और 2-3 दिन से हम नहीं जा रहे हैं तो बड़े पापा के साथ रहते हैं तो वो लोग भी खिला देते हैं, लोग ऐसा बात नहीं है, है? अपना साइड से भी हम मतलब कि कभी कभी हम लोग भी हमेशा हम लोग भी रात का खाना हम लोग यहाँ से चला जाता है और दिन का खाना बड़े पापा खिला देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। अभी निकल रहे हैं, पसीना होने चालू हो गया है भाई साहब, कुछ दिनों से टेम्परेचर हाई हो गया है। अभी निकल रास्ते में हमको कॉफ़ी भी लेना है और जाना भी है भाई साहब, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मैं एक जगह रहो ना साला, अपना सारा चीज़ लेनी है, पर्स ले लिए, अरे एक सामान छूट रहा, आप लोग से मिल लेता हूँ मिनट में। तो अब निकल रहे हैं, बस जो काम था वो कर लिए और निकलने का टाइम हो चुका है और से लेट हो गया है, लेट क्या टाइम से ही है, अभी टाइम से थोड़ा आगे चल रहे हैं। अरे चुप ना रे बाबा सिर चुप। तो ऐसे आज का प्रोग्राम है कि दादाजी का खाना देना है, पहला काम है दादाजी का खाना और दूध, और दूसरा काम कि टाइम से जिम पहुंचना है और बैक वर्कआउट करना है, तो बैक वर्कआउट भी करना है। और कल हर बड़ी में हम चेस्ट का वार्म अप किए ही नहीं और एक्सरसाइज चालू कर दी है, यानी वार्म अप मीन्स कि पुशअप कुछ किए नहीं और डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू कर दी है हर बड़ी में। कल लेट हो गया था, आप लोगों को भी पता है कि हम कल लेट उठे थे, सो गए थे दिन में, बल्कि मुझे सोने का आदत है नहीं दिन में। आप लोग से मिलते हैं थोड़ा देर में, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। A few moments later. तो भाई साहब निकल चुके हैं घर से और हम एक चीज़ भूल ही गए थे कि घर में 1 रुपये का पाउच कॉफ़ी का रखा हुआ है। जब इधर अब आगे बढ़ गए थे तब हमको याद आया, वापस रिटर्न गए घर और लेके आ गए, अपना 10 रुपया बच गया। तो अभी जा रहे हैं बस, मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के जाएंगे चांदनी, चांदनी उतरेंगे, गेट नंबर 2 से निकलेंगे, उसका बाद जाएंगे ऑफिस, पापा का ऑफिस, जाके लेंगे क्या बोलते हैं दूध लेके, उसका बाद जाएंगे दादाजी के पास और उनको देंगे, 5-6 मिनट रुकेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा सांस लेंगे और उसका बाद डायरेक्ट वहाँ से एक्सप्लैनेड मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ेंगे और पार्क स्ट्रीट उतर जाएंगे, पार्क स्ट्रीट उतर के उसके बाद वहाँ से धनाधन चल चल के जाना है जिम करना है और जिम जाके जिम में बैक मारना है, बैक मारेंगे तब जाके जो दोगला लोग खंजड़ मारने का तैयारी में रहेगा वो लोग के लिए अपना बैग बना के तैयार रखेंगे, साला लोहा जैसा मारो, साला तुम खंजर जितना मारोगे मारो, तुम्हारा खंजर टूटेगा लेकिन बैग में पीठ में तुम साला खंजर नहीं खोप पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारा बाप है। तो जा रहे हैं बस, ये चीज़ अच्छा है कि ये टाइम पे निकल गए हैं और अभी भीड़ नहीं मिल रहा है, ना ही ट्रैफिक, ना ही हॉर्न का उतना साउंड हल्का मिल रहा है और ठंडा पानी पी पी के गला में खराश हो गया है, सूखा खांसी हो रहा है, तो अभी थोड़ा ठंडा पानी से दूर रहना होगा और नॉर्मल पानी पीना पड़ेगा हमको। लगता है कि वापस मम्मी को बोलना पड़ेगा कि कलसी में पानी भरना वापस चालू करो, और ठंडा पानी अभी हमको नहीं पीना है, तो भाई साहब अभी ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और गर्म पानी, नमक का
कुल्ला करना पड़ेगा, 2000 ये करना पड़ेगा। फिर पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन का, बस 4-5 मिनट दूरी पे हैं, बस जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा कैसा वीडियोस चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। और भाई साहब इसको देखो, पूरा लोड करके स्कूटी पे जा रहा है, अगर कहीं से भी हल्का सा धक्का लग गया तो पूरा गिर जाएगा। जा भाई जा जा। तो ऐसा सामान पूरा लोड करके आगे 4-5 क्रेट इसका पानी का, पीछे 3-4 क्रेट पानी का बोतल का, मतलब कि पूरा ओवरलोड करके जा रहा है भाई साहब। अभी कहाँ है लपट ठंडी बवासीर है बवासीर। तो जा रहे हैं अभी बस मेट्रो का उधर, मेट्रो पकड़ के जाएंगे। गुप्ता अभी बंद है कितना टाइम? हाँ अभी तो बंद रहेगा, अभी 5:30 बजे के बाद खुलेगा गुप्ता, उसका बाद अपना काम नहीं है गुप्ता में अभी। तो अभी हम लोग का काम है बस मेट्रो पकड़ के चन्नी जाने का है, तो यही काम है और जा रहे हैं। और आप लोग, और हाँ बाद में बात करेंगे उसका ऊपर। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा वीडियोस चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। अरे बवास, तो कैसा वीडियोस चाहिए, कैसा वीडियोस नहीं चाहिए आप लोग को? ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, तो उस हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे आप लोग के लिए, तो आप लोग को अच्छा लगेगा। और हम भी कुछ अब खुराफात सोच रहे हैं, और अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर कहीं ट्रैवल भी करना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप लोग के लिए एक अच्छा खासा ट्रैवल वीडियो मतलब आएगा। तो और ऊपर से हमको इंटरनेट चाहिए होगा उसका लिए, अभी मेरा फ़ोन में उतना इंटरनेट नहीं है, घर में वाईफाई लगा हुआ है तो इंटरनेट का हम पीछे उतना भागता नहीं है। ऊपर से साल भर का रिचार्ज करवाए थे तो जो साल भर में हमको 3000 का पड़ा था रिचार्ज, तो उसमें हमको मिला था 24 GB, 24 GB मेरा लगभग ख़त्म हो ही गया है, और शायद से कुछ MB बचा हुआ है। तो अब कुछ MB से तो मेरा काम नहीं होगा भाई साहब, हमको चाहिए फास्ट इंटरनेट जो कि मेरा घर में हमको मिल जाता है। तो अभी ठीक ही है, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमको भरवा के रखना पड़ेगा, तो फिर जो लगता है इंटरनेट के लिए इंटरनेट रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो करवाएंगे। मेट्रो के पास पहुंच गए हैं, आप लोग से मिलेंगे हम डायरेक्ट रसल स्ट्रीट। तो रसल स्ट्रीट नहीं, आप लोग शायद धमतल्ला में मिल सकते हैं, तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ा देर में। तो भाई साहब अभी दूध आया नहीं है और हमको थोड़ा लेट हो रहा था, 5:10 हो चुका है, और इसीलिए हम का किए हैं कि अभी छोटा भाई ये आया हुआ है इधर, अभी ऑफिस पे पापा का आया हुआ है, पापा का बाइक लेके थोड़ा काम हम कुछ होने के लिए, तो इसीलिए हम उसको बोल दिए कि दूध आ जाएगा, तो दूध और दादाजी का खाना और अपना घर का दूध तीनों लेके दादाजी का खाना दूध खाना और दूध दे दिएगा जाकर दादाजी के पास, और अपना दूध लेके घर निकल जाएगा। तो उसको बोल दिए हैं और वो लेके निकल जाएगा, और मेरा एक टेंशन ख़त्म हुआ। और अब बस जा रहे हैं चांदनी से वापस चांदनी मेट्रो पकड़ने, मेट्रो पकड़ के अभी जाएंगे पार्क स्ट्रीट। तो अभी आप लोग से हम ज़्यादा मिलेंगे नहीं, और आप लोग से मिलते हैं हम डायरेक्ट उधर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई साहब पहुँच गए हैं पार्क स्ट्रीट, और बस 5-7-8 मिनट में हम बस पहुँच जाएंगे जिम। और मेन बात है कि क्या बोला जाता है, हाँ, दो ठो फ्रांस से फॉरेनर लोग हमको मतलब मेट्रो स्टेशन में मिला लोग, और थोड़ा बहुत बातचीत किए, थोड़ा हमको तो आधा बात समझ में आया नहीं मेन, जो लोग जो तरीका से वो लोग इंग्लिश बोलता है लोग, लास्ट मतलब कुछ कुछ शब्द वो लोग मतलब प्रोनाउंस नहीं करता है लोग, प्रोनाउंस करता है तो समझ में आता नहीं है, मतलब कि इंग्लिश थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, तो इसका वजह से थोड़ा समझ में आया नहीं, लेकिन बातचीत किए अच्छा लगा।
अलग अलग कंट्री से भाई लोग घूमने आता है, लोग फॉरेनर लोग इंडिया में, और अच्छा है भाई सब। और वो लोग को जाना था दमदम, तो हम दमदम का बता दिए प्लेटफॉर्म कि कौन से प्लेटफॉर्म से वो लोग दमदम जा सकता है, और हम निकल गए वो लोग को हैव ए नाइस डे बोल के। तो हस्बैंड एंड वाइफ था लोग, एजेड था लोग, तो और ऊपर से लोग का जो टाइटल था हमको टनक से दिमाग में टनका कि ये टाइटल का तो एक तो हमारी भाभी जी हैं जो कि फ्रांस मतलब फ्रेंच है, और जो भाभी हैं वो हैं अपने ट्रैवलिंग जैसी मनोचा साहब के मोहित भाई का मनोचा साहब का, तो उनकी भाई उनकी वाइफ भी फ्रांस से है, बोसो टाइटल है। और हम जैसे वो लोग का टाइटल सुने दिमाग में टनका कि भाई साहब अपना तो ये तो अच्छा चीज़ है, और ऊपर से बहुत टाइम से हम ट्रैवलिंग जैसे को फॉलो करते हैं, अब ये चीज़ तो हम टैग करेंगे उनको कि देखिए भाई हमको आपके वाइफ के कंट्री से दो लोग मिले हैं, उन लोग से बढ़िया से बातचीत किए हैं, अब यहाँ पे उन ये वाला क्लिप हम इंस्टाग्राम में टैग करके लिखेंगे। तो अभी बस पहुँच गए हैं, क्या इधर ही हैं, बस थोड़ा सा पास में है पार्क स्ट्रीट। तो वो अपने ट्रैवलिंग जैसे मनोचा साहब मनोचा भाई वो भी एक बार कलकत्ता आ चुके हैं घूमने के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए, तो अच्छा चीज़ है। बहुत टाइम से कम उनको हम चार ना करके चार साल से हम उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, और अच्छा है। मतलब कि मेन बात है कि फ्रांसी लोग भी घूम रहा है लोग इंडिया में, हमको बहुत अच्छा लगता है भाई फॉरेनर लोग घूम रहा है, और इंडियन लोग भी जाके घूम रहा है अदर कंट्रीज, तो अच्छा चीज़ है। तो अभी हम जिम पहुंच गए, आप लोग से मिलते हैं, बाय, जय श्री राम। आँखों को चल गया अरे भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो
तो भाई लोग घर आ चुके हैं और वीडियो का एंडिंग किया जाता है। और वैसे आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी का मुबारक हो, जय श्री राम। और वीडियो को यहीं एंडिंग किया जाता है राम जी रामनवमी के शुभ अवसर पे। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अच्छा अच्छा कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मोटिवेट होंगे तो अच्छा अच्छा वीडियोज़ आप लोगों के लिए आता रहेगा। तो आज का सवाल यहीं समाप्त किया जाता है, आप लोग से मिला जाएगा कल के वीडियो में। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड टू दिस वीडियो एंड टू दिस चैनल टू गेन सम नेचुरल पावर एंड नेचुरल स्ट्रेंथ। जय श्री राम।